हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है देखिए आपने थंबनेल में देख ही लिया है हम किस चीज किस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं तो मतलब स्टॉक का नाम तो रिवील नहीं किया बट अगर बात करें लक्ष्मी ऑर्गेनिक से भी बेटर स्टॉक्स वो नजर आता है और उसकी हिस्ट्री भी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक देखिए अभी आया है ओके इससे रिलेटेड भी हमने वीडियो बनाई है और आपको बताया पैसा डबल तो पैसा यहाँ पर डबल ऑलरेडी हो चुका है बट अभी और ज्यादा अपॉर्चुनिटी है बट जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वहाँ और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नजर आती है क्यों क्योंकि अगर बात करें शेयर यहाँ पर रिजल्ट अच्छे दिखा से दे रहा है प्लस में सेम

कि किस तरीके के एनालिस करके स्टॉक्स की आप मल्टी बैगर आ, शेयर में इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और तो हम जिस स्टॉक से रिलेटिव बातें करने वाले हैं तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये एक चार्ट पैटर्न अठाई सौ सत्तर के आसपास ये शेयर चल रहा है वन डे का चार्ट पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पर देखिए रिजल्ट आए थे रिजल्ट आतिशा शेयर थोड़ा सा भागा और फिर यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया बट कोई इशू नहीं है फाइव डेज का चार्ट पैटर्न देखे तो एक साइड वेज पर ऊपर से शेयर नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है वन मंथ पहले देखे तो यहाँ पर और अगर हम देखते हैं एक साल का चार्ट पैटर्न तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शेयर बाईस सौ सौ से लेकर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया है फिर एक यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई देखिए शेयर को मैंने यहां पर एक से डेढ़ महीने पहले इसी लेवल पर मैंने यहाँ आप पर आपको बताया था उसके बाद शेयर लगभग इकतीस सौ बत्तीस सौ रुपये जाके दिखाया फिर यहाँ पर एक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है मैक्मम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं दो हजार अठारह छह जुलाई को यहाँ लग पर लगभग तीन साल इस कंपनी को हो गए हैं आठ सौ साठ सात रुपये पे आया था उसके बाद एक कंसिस्टेंट यहाँ पर परफॉर्मर पर रहा है कंपनी कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी बेहतरीन है तो कंपनी का नाम क्या है उससे रिलेटेड बातें कर ले कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई है वहां पर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा एक बार देख लीजिएगा तो यहाँ पर अगर बात करें शेयर की देखिए फेस वैल्यू पांच का है और बात करें फिर इकतीस मई को यहां पर पैतीसौ रुपए के आसपास गया था ये शेयर उसके बाद एक गिरावट है और रुपए का पर मार्च अड़तालीस परसेंट पर डिलीवरीज पर तो पर पर उठाई गई है यहाँ पर ज्यादा वॉल्यूम नहीं है बट अगर बात करें लोग यहाँ पर बेचना नहीं चाहते इस शेयर को इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है अगर बात करें यहाँ पर इस कंपनी के की तेरह तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आया था डूरिंग द मार्केट ये रिजल्ट आ गए थे और यहाँ पर शेयर को ना तो नेगेटिव रिस्पांस मिला ना पॉजिटिव रिस्पांस मिला अगर बात करें कंपनी अच्छा खासा यहां पर डिविडेंड देती हुई नजर आती है ने अभी डिविडेंड दिया है इसके अलावा बात करें पर स्पेशल डिविडेंड भी देती है सेवेंटी फाइव का मतलब क्या है कि प्रोमोटर्स को अपनी कंपनी से प्यार है उन्हें पता है कि इस कंपनी का ग्रोथ क्या है अगर हम बात करें ये कंपनी करती क्या है तो देखिये कंपनी यहाँ पर काफी बेहतरीन बिजनेस मॉडल है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड अब्रॉड एज मैनुफ

करें इंडिया ग्रो कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च हो रहा है तो ये पेंट्स बेच रहे हैं और पेंट्स में कौन सी के तो इस कंपनी को आगे बढ़ना है ब्रिटेनिया पार्ले की बात करें तो यहाँ पर पार्ले तो बचपन से ही खाते आ रहे हैं और ब्रिटेनिया काफी है और इसमें भी आप भी भी बचपन से पीते आ रहे हैं तो यहाँ पर जब इस तरीके की बड़ी बड़ी कंपनीज है तो ये कंपनी बंद नहीं होने वाली अच्छा खासा ग्रोथ देने ही वाली

ओलियो स्पेशलिटी फॉर ड्राइव एंड डाइवर्स एप्लीकेशन है तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी इसी चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नज़र आती है और अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 इयर्स इनको हो चुके हैं यहाँ पर इस कंपनी को और भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एडिटिव्स ऑफ प्लास्टिक्स एडिट ऑफ़ फूड्स एडिटिव्स ऑफ़ रबर और यहाँ पर जितने भी ये केमिकल्स हैं इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड कॉस्टा यहाँ पर टेक्सटाइल यहाँ पर रबर मतलब यहाँ पर टायर्स बनाने में भी शायद इसके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं

में पेंट इंकोटिंग तो तो पे तो कर तो काम करती हुई नजर आती है यहाँ पर वीडियो लंबा हो जाएगा अगर यह सब चीज बात करने लग गया तो यहाँ पर थोड़ा इनके फाइनेंशियल आपको समझ में आ गया है देखिए यहाँ पर अगर बात करें इक्कीस का आरो सी है काफी बेहतरीन आरोप

वर्क इन प्रोग्रेस में 26 करोड़ रुपए हो जब 26 करोड़ रुपए यहाँ पर ऐड होते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर बात करिएगा यहाँ पर ये यह सब चीज प्रॉफिट और इनका सेल्स रेवेन्यू ये सब चीजें चेंज होता हुआ दिखाई देगा और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है अच्छा खासा आर है इस कंपनी का 75 के शेयर यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास है एकदम कंसिस्टेंट बने हुए है एफ की बात करें एफ आई एज़ ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है देखिए सिक्स पॉइंट एट कर ली है डी आई एस की बात करें डी आईस ने थोड़ी सी हिस्सेदारी यहाँ पर कम करी है और पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और ज़्यादा हिस्सेदारी भी नहीं है सेवन परसेंट के आसपास है तो यहाँ पर ये सब चीज़ आपको समझनी होगी और इसी बेस पे आपको यहाँ पर काम करना होगा मैंने यहाँ पर शेयर को ऑलरेडी यहाँ पर बाइंग बाई किया हुआ है और इसके अगर हम बात करें फाइन ऑर्गेनिक की तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक तो यहाँ पर ऑर्गेनिक नाम था तो इसलिए यहाँ पर च, ये चीज मैंने चुराता हुआ दिखाई दिया है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक से यहाँ पर ज्यादा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा देखिए हाईएस्ट एवर की बात करें तो यहाँ पर ये शेयर कहाँ पर जाता हुआ दिखाई दिया था लगभग के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था और हम अगर देखे तो देखिए इसने यहाँ पर एक सपोर्ट बना लिया पहले भी यहाँ पर गिरा था तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था बाद में यहाँ पर एक गिरा था तो यहाँ सपोर्ट बनाया था फिर यहाँ पर दोबारा सपोर्ट बना लिया है तो यहाँ से नीचे जाना इसका बहुत इम्पॉसिबल है और बात करें ऊपर जाना तो ऊपर जाने के लिए इसके पास पूरी यहां पर पूरा का पूरा ऊपर का लेवल खुला हुआ है और जैसे जैसे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती जाएगी वैसे वैसे यहां पर यह शेयर और ऊपर जाएगा थोड़ा लॉन्ग टर्म का अगर आपका विजन है तो यह शेयर आपको मल्टीपैर रिटर्न देगा स्मॉल का अगर बात करें शॉर्ट टर्म का भी है तो शॉर्ट टर्म में भी आपको थोड़ा बहुत यहां पर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा इसके अलावा हम बात करते हैं कंपनी यहाँ पर टारगेट से रिलेटेड अगर आप बात करना चाहते हैं तो देखिए टारगेट कुछ ऐसा खास यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे टारगेट तो आप यहां पर ही मानिए कि इसका जो पहला टारगेट है वो यही है कि जो इसका अभी जो टारगेट बना था यहां पर एक छोटा सा कब विद हैंडल पैटर्न बनता हुआ भी नजर आ रहा है पहला टारगेट तो इसका इकतीस सौ रुपए के आसपास है जो कि इसने यहाँ पर बनाया था इकतीस सौ चौबीस रुपए के आसपास इसके अलावा दूसरा टारगेट की बात करें तो देखिये यहाँ पर छत्तीस सौ का लेवल जो ये बनाया था छत्तीस सौ के आसपास का वो लेवल है इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर एक लेवल की और जो कि यहां पर कब विद हैंडल पैटर्न से यहाँ पर टारगेट नजर आ रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात मैं ये बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में तो ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देगी थोड़ा सा किसी का पेशेंस है तो और इसका जो दूसरा टारगेट तीसरा टारगेट समझ लीजिए जो है तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पे इकतीस सौ रुपए के आसपास है दूसरा टारगेट यहाँ तेतीस सौ के आसपास है और, और इसका तीसरा टारगेट तैतीस सौ रुपए के पैंतीस सौ रुपए के आसपास है छत्तीस सौ रुपए के आसपास तो यहाँ पर ये यह तीन टारगेट बन रहे हैं बर जिसे टारगेट नहीं खेलना जिसे लॉन्ग टर्म रखना है इसका मतलब यहाँ से रिवर्स हो रही है मंडे को किस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा गैप डाउन होकर मिलता है शेयर तो यहाँ पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है मैं यहाँ पर बायर हूँ क्यों मैंने यहाँ पर इसके रिजल्ट देख के लास्ट टाइम के इस बार के रिजल्ट देख के मैंने यहाँ पर ये परचेज कर लिया है अच्छा खासा मुझे ये शेयर नजर आ रहा है बाकी यहाँ पर खुद की स्टडी करनी है इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक करना है दूसरे वीडियोस को देखना है सीखना है और सीख के यहाँ पर काम करना है ताकि इस तरीके के रिटर्न हमें मिलते रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस